शाहपुर थाना क्षेत्र के चरगावां ब्लॉक के सामने एक पेंट के गोदाम में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिसके संबंध में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि चरगावां ब्लॉक के सामने एक पेंट की दुकान में आग लग गई है, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन आग बड़ी होने के कारण चार और फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने कहा, गोदाम में एक लीटर आधा लीटर के पेंट के डिब्बे तथा थीनर के डिब्बे भरे हुए थे, जिसको देखते हुए फायर ब्रिगेड की पांचों गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया तथा आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के बाद गोदाम के मालिक बैजनाथ श्रीवास्तव पुत्र रमन श्रीवास्तव से पूछताछ की गई, लेकिन आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका। उन्होंने बताया कि आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ है तथा आग में नुकसान माल का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रणजीत सिंह ने कहा, शाहपुर थाना क्षेत्र में चार्ली पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा सूचना दी गई कि थाना शाहपुर क्षेत्र में वो चरगांव ब्लॉक के सामने आग लगी हुई है। मौके पर एक फायर टैंकर गया, सबसे पहले पहुंच कर देखा कि आग बड़ी है और वो पेंट का गोदाम है, जिसमें एक लीटर पाँच लीटर आधा लीटर के पेंट के डिब्बे भरे हुए थे। थीनर भी रखा था उसमें, रबर सील्ड भी थी, ब्लैक जापान भी था। फायर सर्विस यूनिट द्वारा आग बुझाई गई तथा अन्य गाड़ियों की मांग की गई। स्टेशन से गोलघर से तीन अन्य गाड़ियां फायर टैंकर मौके पर गए और कर्मचारी गए। आग को पूर्ण रूप से फोम कंपाउंड का प्रयोग करते हुए बुझा लिया गया। इस तरह से आग बुझने के पश्चात दुकान के मालिक से, गोदाम के मालिक से पूछा गया, उनका नाम बताया गया, उनके द्वारा बताया गया, श्री बैजनाथ श्रीवास्तव सन ऑफ श्री रमन श्रीवास्तव, निकट जेपी पैलेस, चरगांव ब्लॉक के सामने, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर। उनके द्वारा बताया गया, लेकिन आग के लगने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि आग कैसे लगी, नहीं लगी। मौके पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सभी मौजूद थे। फायर सर्विस कर्मचारियों द्वारा अथक परिश्रम करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग बुझाने के पश्चात फायर सर्विस के सभी चारों टैंकर फायर स्टेशन के लिए उपस्थित हो गए। किसी तरह का जान माल का नुकसान? आग में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, इस क्षति को बचाया गया। अगल बगल चारों तरफ रिहायशी मकानें थीं जिनमें आग के फैलने का खतरा बना हुआ था। यूनिट द्वारा अथक परिश्रम किया गया, जिसके द्वारा आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया। सर, लगभग कितने का माल नुकसान हुआ है? लगभग 2.5-3 लाख, अभी आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो है जो भी नुकसान हो उसके द्वारा जो बताया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। उनसे स्टॉक बुक से मांगा गया है रिकॉर्ड कि आप दीजिए हमको, ताकि हम क्षति का आकलन कर सकें। सर,